हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की यूई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर ही मैंने हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही लगा रखी है। 2023 टू 24 की बुक है ये हमारे पास। इसमें ना हमने अपना चैप्टर नंबर 10 हीरोइंस का सूत्र, इंग्लिश मीडियम में भी यही है हीरोइंस फॉर्मूला। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 43 तक करा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं आज। दो ही क्वेश्चन रह गए हैं, फिर हमारा ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो प्रैक्टिस पेपर है ना, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 44 क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहा है, एक त्रिभुजाकार विज्ञापन बोर्ड की विमाएं 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर है, जिसका प्रयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। यदि इस बोर्ड द्वारा प्रत्येक माह 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आमदनी हो, तो एक महीने में इस बोर्ड द्वारा कितनी आमदनी हो। देखो, एक ना ट्राइंगुलर मतलब त्रिभुजाकार शेप का ये आपके पास क्या है, एक बोर्ड है। विज्ञापन समझते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो उसकी देखो तीनों साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 5,000 रुपये की कमाई होती है एक महीने, तो बताओ कि इससे कितनी आमदनी होगी, एक महीने में इस बोर्ड से कितनी आमदनी होगी। तो अगर मैं इस बोर्ड का एक बार क्षेत्रफल निकाल लूँ कि कितना है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि इसकी कितनी आमदनी होगी। सेम इंग्लिश मीडियम में भी हमारे पास यही है क्वेश्चन। अ ट्रायंगुलर होल्डिंग ऑफ डायमेंशंस 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर इज यूज फॉर कमर्शियल एक्टिविटी। द होल्डिंग यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर मंथ। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स बाय द होल्डिंग इन अ। क्या एक ट्रायंगुलर होल्डिंग है, होल्डिंग मतलब वही जो एडवर्टीजमेंट के लिए होते हैं कि आपको डायमेंशंस दे रखी है, ठीक है। कह रहा है अगर इस होल्डिंग से 5,000 पर मंथ होती है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, एक मीटर स्क्वायर की 5,000 कॉस्ट है पर मंथ की, तो बताओ कि इस होल्डिंग से कितनी होगी। तो पहली बात तो मुझे इस होल्डिंग का एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब एरिया हम निकालेंगे कैसे यहाँ, तो 11, 6 और 15। सबसे पहले एस निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 प्लस 15 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया 32 अपॉन में 2, तो 16 मीटर आ गया। अब एरिया की बात करते हैं, मतलब कि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। एस है मेरे पास 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 5 और 16 माइनस 15, ठीक है ना। देखो ये वाला 16 से बाहर आ गया 4, अंदर यहाँ एक 5 बचा, एक 1 बचा, का 1 आ गया और एक 11 बचा, यही बचा आपके पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 6 है, एक 6 है ना, तो यहाँ पर फिर 10 बचेगा ना। ये 4 ऐसी है, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 10 को मैंने लिख दिया 5 इंटू में 2, तो अब फिर एक 5 बाहर आ सकता है इजीली, सिर्फ अंदर रह गया 2, ये आ गया 20√2। देखो मुझे यहाँ रूट टू की वैल्यू दे रखी है कि 1.41 यूज़ करनी है, तो फिर आपको यहाँ पर 1.41 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया। आप चाहो तो यही मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो अभी नीचे कर देंगे जब हमारे को कॉस्ट निकालनी होगी, कि वो हमसे यहाँ पर यही तो पूछ रहा था, टोटल अर्निंग्स बतानी है ना। और हिंदी मीडियम में अगर हम देखें आपसे क्या कह रहा था, आमदनी कितनी हो, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल अर्निंग इन अ मंथ, एक महीने में कितनी आमदनी होगी। एक मीटर स्क्वायर के हिसाब से मुझे 5,000 रुपये मिल रहे थे, तो मतलब 20 × 1.41 मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितने मिलेंगे, 20 × 1.41 × 5,000। पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तब आपके पास क्या बचा, 20 × 1.41 × 50, यही बचा ना। तो 141000 ये आपका आंसर, इतनी आपकी अर्निंग होगी, इतनी आपकी आमदनी होगी एक महीने के अंदर, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास। एक क्वेश्चन रह गया, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके बाद जो आपके पास ये प्रैक्टिस पेपर है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ उसका प्रैक्टिस पेपर, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम है, उस
पर आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है ये प्रैक्टिस पेपर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। अब फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को प्लस इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।